ने किसी से मांगे नहीं, ऐसे ही सड़क पे आते जाते पड़े होते हैं, मैं उठा के ले आती हूँ। अच्छा, इसे रेस्क्यू किया? इसे रेस्क्यू किया, ये काट के फेंका हुआ था सड़क पे, और ये देखो आप कितना बड़ा हो गया है। ये भी मेरा रेस्क्यूड वाला है। अच्छा, कॉर्डेलन। ये भी मैम इतने सारे प्लांट्स आपको मिल जाते हैं? पता नहीं, वो कहते हैं कि जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, जैसे मेरे को ऐसे लगता है कि वो मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ प्लांट फेंके होते हैं, हर चीज में गमला दिखता है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करें पर। और जैसे कि जानते हैं चैनल पर चल रही है देहरादून सीरीज, तो बैक टू बैक एपिसोड के साथ मैं अपने चैनल पर आ रहा हूँ। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एक और बेहतरीन एपिसोड के साथ मैं आ चुका हूँ अपने चैनल पर, और हमारे साथ आज हैं अंजू शंगारी जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, अपने गार्डन को दिखाने का मौका दिया, और मैं बहुत ही खुश हूँ। आपका गार्डन बहुत ही अच्छा है, कुछ नया कुछ बेहतरीन दिखाने का मौका आज मुझे मिला है। तो मैं देख रहा हूँ आपके पास सैकुलेंट्स की भी काफ़ी सारी वैरायटी हैं, साथ ही में इंडोर प्लांट्स भी आपके साथ काफ़ी सारे हैं। तो आपने कब गार्डनिंग स्टार्ट करी, कैसे आपकी गार्डनिंग जर्नी शुरू हुई, प्लीज़ हमारी ओर से शेयर करें। ठीक है, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि गार्डनिंग करने वालों को सबको मेहनत करते रहते हैं जी, लेकिन एप्रिसिएशन मिले तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग तारीफ़ करते हैं, आपने इतनी मेहनत करी, आप आए यहाँ के इतना टाइम निकाल के, तो सबसे पहले आपका थैंक यू सो मच। और जो गार्डनिंग का शौक़ है, लगभग 2012, हाँ 2012 से पहले मुझे था, लेकिन थोड़ा थोड़ा, इतना ज़्यादा पैशन नहीं था। देहरादून में रहने वाले जितने लोग हैं, एक शुरू से ही है ग्रीन, और लोगों के घर पौधे सबके, आप किसी के घर भी जाएंगे कोई घर ऐसा आपको नहीं दिखेगा कि जहाँ प्लांट्स नहीं होंगे, तो बचपन से ही देखा। लेकिन 2012 में एक अनफॉर्चुनेट हुआ कि मेरा एक रोड एक्सीडेंट में मुझे हेड इंजरी हो गई, तो उसकी वजह से मेरे फेशियल पैलिसी हुई और मैं बाहर आना जाना बंद हो गया। तो मैं बिल्कुल घर में बंद, कुछ जा नहीं सकती थी, कहीं नहीं कर सकती थी। तो फेसबुक पे देखते देखते सैक्यूलेंट्स देखे, तो सैक्यूलेंट्स के लिए एक अलग से प्यार सा। फिर नर्सरी में मुझे सबसे पहले एक दिखा, उसे घोस प्लांट कहते हैं, सबसे कॉमन होता है वो सैक्यूलेंट्स में, तो वो मुझे उसे देख के ही एक चमक आई आँखों में कि अरे वाह सैक्यूलेंट मिल रहे हैं, तो वो एक ख़रीदा। फिर उसकी पत्ती से जब वो दोबारा बनने लगे, वो एक अलग सा ही नशा फीलिंग थी। उसके बाद फिर तो बस वो शुरू हो गया जो ख़त्म नहीं हुआ। तो अब फॉलिएज प्लांट्स भी हैं, सैक्यूलेंट्स भी हैं, फ्लावरिंग भी हैं, जो मिलता है वो, अब सारे प्लांट्स इतने, और उसकी वजह से मेरे को इतनी शांति मिलती है। मैं मेडिटेशन टाइप फील होता है, लाइक कोई किसी फ्रेंड्स के कहीं घूमने जाने की, कहीं जाने की, अंदर से बिल्कुल शांत हो गई, कहीं जाने का मन नहीं करता, बस इन्हीं के आसपास रहो, इन्हीं के। नाइस। हाँ। तो अभी आपके सैक्यूलेंट्स में कितनी वैरायटीज हैं? मेरे पास लगभग 260 वैरायटी के सैक्यूलेंट एंड कैक्टस मिला के हैं, और पहले इससे भी ज़्यादा थे, पर इस बार कुछ मौसम ख़राब हो गया और कुछ मेरी तबीयत बीच में ठीक रही, तो कहते हैं लोग कि सैक्यूलेंट को केयर नहीं चाहिए, पर इंडिया के, क्योंकि यहाँ के हिसाब से, हमारे मौसम के हिसाब से नहीं है, तो हमको उनको एडजस्ट करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, तो वो थोड़ी केयरलेसनेस हो गई, तो मेरे काफ़ी कम हो गए, लेकिन अभी भी लगे हैं, जब मिल जाए आगे बढ़ाने का शौक है। पर पूरे टेरेस पे भी गार्डनिंग कर रहे हैं, मैंने आपके साथ एक टूर किया, और नीचे आप नीचे भी काफ़ी सारी आपने गार्डनिंग की है, इंडोर प्लांट्स भी काफ़ी हैं, तो इतना सारा कुछ मैनेज कैसे होता है? वाटरिंग का हो गया, और इसके अलावा ही काफ़ी केयर भी करनी पड़ती है, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं, कितना टाइम देते हैं अपने प्लांट्स को आप? मेरे रोज के कम से कम 4 घंटे तो लगते हैं। ओके। मेरा फुल टाइम जॉब है, क्योंकि मैं जॉब करती नहीं हूँ, पहले करती थी, वो छोड़ दी जी। अब 4 घंटे इसलिए लग जाते हैं कि माली, ऐसा नहीं है कि माली नहीं आता, माली रोज 1 घंटे आता है, लेकिन माली का काम क्या है, मिट्टी, मिट्टी मैं उठा नहीं सकती है अभी, गमला इधर से उधर उठा के नहीं ले जा सकती हूँ अपनी फिजिकल को, क्योंकि उसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई उठाने से जी। तो माली आता है तो माली के हेल्प से अपने टेरेस पे, जैसे गमले ले गए, गमले इधर से उधर शिफ्ट कर दिए, वो काम कर लेती हूँ, मतलब जो बेसिक हेल्प होती है वो आप ले लेते हैं? हाँ ले लेती हूँ, लेकिन पौधों को पानी देना, पौधों की प्रूनिंग करना, मेरा माली मेरे से पूछे बिना किसी पौधे को हाथ नहीं लगा सकता वो बहुत इस मामले में डरता है तो क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोगों को इतने नॉलेज नहीं है। आजकल हर आदमी खुरपी कुदाल उठाया बोल गए कि माली बन गए, पहले माली होते थे जिनको बहुत नॉलेज होती थी जी। अब तो मैं तो जगह के हिसाब से भी है, अब मेरा इधर की साइड है नॉर्थ फेसिंग है, धूप नहीं आती, तो वहाँ मैं सिर्फ ग्रीन फॉलिएज प्लांट्स ही लगा सकती हूँ,
कुछ फ्लावरिंग प्लांट हैं, इम्पेशंस है जो छाया में हो जाता है वो मैं लगा लेती हूँ जी। और इसके अलावा थोड़ी सी धूप विंटर्स में आती है तो बिगोनिया भी हो जाता है छाया में, बिगोनिया मैंने लगाए हुए, तो उनको शिफ्ट करना पड़ता रोज थोड़ी देर के लिए धूप, वो एक्सरसाइज रोज की। तो मेरी यही एक्सरसाइज है कि खुद ही सारा कुछ करना, सबसे पहले तो सफाई करना, सुबह उठते ही पहले झाड़ू लगा के उसका कूड़ा इकट्ठा करना, क्योंकि ये सफाई नहीं करेंगे तो चींटियाँ कीड़े वो सब बचने के लिए सबसे पहला काम सफाई है जी। तो मैम ने काफ़ी सारे वेस्ट जो चीज़ें होती हैं उनको भी यूज़ करके हाँ। गार्डनिंग करी है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और आज का जो पहला वीडियो, मैं चाहूँगा कि हम इनके घर के एंट्रेंस से स्टार्ट करें और वहाँ पे हर तरह के इंडोर प्लांट्स हैं, मैम ने बहुत ही अच्छे से अरेंज किए हुए हैं, हम सब पे हम बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद आप कहीं ना कहीं इंडोर प्लांट से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज रहती हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, किस तरह से हमें प्लांट अरेंज करना चाहिए, कहाँ पर प्लेसमेंट होनी चाहिए, इन सभी पर हम बातें करने वाले हैं। और साथ ही में मैम को प्लांट रेस्क्यू भी मैम ने काफ़ी सारे करे हैं, तो हम उससे भी बात करेंगे। तो किस तरह रेस्क्यू करती हैं मैम प्लांट्स को, कहाँ से लेकर आती हैं, उन पर भी हम बात करने वाले हैं। तो डिटेल वीडियो रहेगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। तो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि मैं यूँ ही भारत के अलग अलग गार्डनर्स के पास जाकर उनके गार्डन को कवर करता रहता हूँ। बैक टू बैक वीडियोज़ हर दिन सुबह 10 बजे आप चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए, आपका स्वागत है मेरे घर में। थैंक यू। आपको दिखाती हूँ, इधर चारों तरफ प्लांट्स ही लगे हुए हैं जी, लेकिन मैं आपको इधर से दिखाना शुरू करती हूँ। वाओ, अच्छा इधर भी है। हाँ, तो फ्रेंड देखिए इनके बैकग्राउंड में काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स हैं, वहाँ पे भी आपको एक कॉर्नर नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे भी काफ़ी सारे हैं। तो हम स्टार्ट यहाँ से करने वाले हैं, तो चलते हैं, दिखाइए मैम कहाँ पे कैसे आपने ऑर्गेनाइज किए हैं। ये मेरा ईस्ट फेसिंग है लेकिन यहाँ पेड़ लगे हुए हैं तो नीचे छाया आती है, तो ये स्नेक प्लांट, सेफलेरा और पीस लिली हैं। पीस लिली की वेरिएटेड वेराइटी है, नॉर्मल वाली वेराइटी है। और पीछे साल्विया, क्योंकि यहाँ धूप ज़्यादा नहीं आती तो कुछ हो नहीं सकता, पेड़ की छाया आती है जी। ऊपर भी कुछ सेक्युलेंट्स, क्योंकि यहाँ पे धूप आती है और है जगह, वही ऊपर धूप आती है नीचे नहीं आती है। ओके। तो यहाँ कुछ सेक्युलेंट्स लगाए हुए, बीच बीच में कलर देने के लिए मैं साल्विया लगा देती हूँ, क्योंकि एक जैसे सेक्युलेंट या एक जैसी चीजें थोड़ी बोरिंग सी लगती जी। लेकिन फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा, ये सेक्युलेंट्स तो जस्ट एक बिगनिंग है, स्टार्टिंग है, अभी मेन आपको सेक्युलेंट का सेटअप दिखाना बाकी है जो कि है इनके टेरेस गार्डन पे। तो अभी और भी वीडियोस मैम के साथ आएंगी जी मैम। हाँ, तो ये बस बीच बीच में थोड़े मिक्स मैच करके लगाने मुझे अच्छे लगते हैं। ये सिंगोनियम की मिनी वेराइटी है, ये बड़ी वाली बिगोनिया है, इधर ये अभी क्रिसमस कैक्टस खिलने वाला है और ये अपने आप ही उगाया। अच्छा, मैं इसे लेके नहीं आई। अब लेकर नहीं आया। हाँ, भगवान की कभी मिट्टी नर्सरी से कोई आया होगा। हाँ, कोई सीड उसमें रहा होगा। तो ये 2 साल से ऐसे इतना बड़ा हो गया है, तो ये भगवान की तरफ से गिफ्ट समझती हूँ मैं। और इधर भी, इधर धूप बहुत आती है तो ये कुछ परमानेंट राइसेना की वेराइटीज हैं, ये लगाई हुई हैं। इसके साथ ये पोटैटो वाइन बीच बीच में कलर देने के लिए अच्छा रहता है, ये स्पाइडर प्लांट्स है, क्योंकि बहुत गर्मियों में बहुत धूप होती है तो ये जल जाते हैं प्लांट्स, तो अच्छा। यहाँ ये ठीक है। इधर छाया रहती है तो ये मैंने एक ट्रॉपिकल प्लांट्स का कॉर्नर बनाया है। वाओ। और ये कैलेथिया की वैरायटी है, ये हेलिकोनिया है, इसमें पैरेट टाइप फ्लावर आता है, बहुत सुंदर फ्लावर आता है, लेकिन ये मई जून में फ्लावर आते हैं इसमें, इसी से प्रोपोगेट करके मैंने इधर। और यही ट्रॉपिकल फर्न्स हैं, ये बर्ड ऑफ पैराडाइज है। Beautiful. और ये ब्रोमेलिड्स आजकल फ्लावरिंग कर रहे हैं, परमानेंट प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। हाँ, ऐसी इनकी फ्लावरिंग होती है। हाँ, बहुत सुंदर है। और इनको बस बारिश से बचाना होता है, जब बरसात के दिन होते हैं तो मैं इनको थोड़ा शेड प्रोटेक्टेड एरिया में ले जाती हूँ, क्योंकि पानी यहाँ चला जाता है तो कई बार रूट रॉट हो जाता है उसमें जी। तो मैम आपने अभी तक इसे प्रोपोगेट किया है? नहीं, इसे प्रोपोगेट नहीं किया मैंने, एक यही प्लांट मेरे पास ऐसे हैं जिनको मैंने अभी प्रोपोगेट करने की हिम्मत नहीं करी है। अच्छा। इसकी एक वेराइटी पेंसिल वाला है वो मेरे पास, उसको मैंने प्रोपोगेट किया है, वो ऊपर है, ऊपर। तो फ्रेंड जब हम ऊपर की वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए तो उसमें हम जरूर उसे कवर करेंगे। ये झुमका बेल है मैम? झुमका बेल नहीं, इसे चाइनीज लैंटरिन या एवोल्यूशन करके गुड़हल की वैरायटी कहलाती है। ओके। ये वो है, तो इसके आजकल बहुत फूल खिल रहे हैं और ये बहुत सुंदर ऐसे लगता है जैसे लालटेन उल्टे करके लटकाए हुए हो। इसके 3-4 रंग आते हैं पर मेरे पास अभी एक ही है ये, और इसको मैंने प्रोपोगेट कर रही हूँ। तो ये कॉर्नर तो मैम बहुत ही सुंदर लग रहा है आपका, सारे के सारे हम इंडोर प्लांट देख रहे हैं एक ही जगह पे और बहुत ही अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज किया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है कॉर्नर।
इधर ये विंटर्स की तैयारी है, फरवरी मार्च के लिए हॉली हॉक लगे हुए हैं। ये सिनेरिया के ये मेरे सारे सीड ग्रोन है। ये रैनन कलर्स है, ये कॉम से ट्यूबर आते हैं छोटे छोटे, पिछले साल के संभाल के रखती हूँ, फिर सीजन में लगा देती हूँ। ये कुछ वेजिटेबल स्विस चार्ड वगैरह हैं, ये स्विस चार्ड काफी बड़ा हो जाता है और खाओ नहीं भी तो बहुत शो, बहुत सुंदर प्लांट लगता है जी। और ये फ्लॉक्स वगैरह, ये भी स्विस चार्ड है, ये जेड क्रेसुला, ये गुलदावदी मैंने कटिंग लगाई थी मार्च अप्रैल में, जबकि लोग जुलाई में लगाते हैं, पर मैं फरवरी से लगानी शुरू कर देती हूँ। ये तो सीजनल फ्लावर्स हैं अभी। नाइस। और इधर ये एग्लोनिमा पिंक, ये मेरे पास एक प्लांट था लेकिन अभी इससे मेरे पास 7-8 हो गए हैं, 4 तो यहीं रखे हैं। ये लिपस्टिक, पिंक लिपस्टिक एग्लोनिमा है, और ये एंथूरियम है, और इधर ये इसके भी मेरे पास 7-8 हैं। ये मैं एक छोटा सा प्लांट लेके आई थी, उससे आपने प्रोपोगेट किए? प्रोपोगेट किए, मेरे पास काफ़ी जगह, देखिए ये पड़ा है उधर, 2-3 गमले ये हैं, ब्यूटीफुल, और 2 इधर रखे हैं वही सेम वैरायटी के। अब नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है, आपने मुझे बताया था कि आप प्लांट को रेस्क्यू करते हैं, तो मैं देखना चाहूंगा आपके वो कौन से प्लांट है जिन्हें आपने रेस्क्यू किया और कहाँ से रेस्क्यू किया, कैसे किया, प्लीज हमारे व्यूअर्स से शेयर करें। आइए, कुछ तो उधर भी थे डार्सिनिया वाले, उधर भी वो रेस्क्यूड ही है। लोगों के पास क्या होता है कि जब प्लांट्स ज्यादा हो जाते हैं, प्रूनिंग करते हैं, नई जगह होती है उनके पास, वो फेंक देते हैं सड़क पे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी को मार के, जैसे कोई इंसान को आप देखे कि वो मरने वाली अवस्था में पड़ा है, आप बचाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे वही फीलिंग आती है देख के कि अपने घर से फेंक कैसे सकते हैं, फालतू हो गए, आप दे दीजिए दूसरों को, कोई और भी आप उसे शेयर कर लीजिए। तो मैंने किसी से मांगे नहीं, ऐसे ही सड़क पे आते जाते पड़े होते हैं, मैं उठा के ले आती हूँ। कई बार घर में सुनने को भी मिलता है कि मैं प्लास्टिक बॉटल्स भी, डब्बे भी, वो भी उठा लेती हूँ। तो इधर ये कुछ हैं, अब ये मेरी फैमिली के मेंबर्स बन गए हैं। ये फिलोडेंड्रॉन है, ये वाला। अच्छा, इसे रेस्क्यू किया? इसे रेस्क्यू किया, ये काट के फेंका हुआ था सड़क पे, और ये देखो आप कितना बड़ा हो गया है। ये भी, ये चांस की बात है कि फिलोडेंड्रॉन की ही 3 वैरायटी, एक ये वाली, अच्छा ये वाली भी, nice. और एक ये वाली भी, इसमें अब ग्रो करना शुरू हुआ है, और इनमें रूट्स नहीं थी, ऐसे काट काट के फेंक दिए थे। तो ये तीनों एक ही साथ लाए थे, अलग अलग? नहीं, ये तीनों चांस की बात है किसी एक घर के सामने तीनों ही, अच्छा, पड़े हुए थे, okay. सड़क पे ही पड़े हुए थे, okay. तो मैं ये सड़क से उठा के लाई, और एक ये वाला भी, ये भी सैक्यूलेंट की कोई वेरायटी है, ये भी। जब लोगों के मेरे यहाँ जब ज्यादा होते हैं ना, तो मैं उनको एक लाइन से कभी ट्यूबलाइट में, कभी किसी चीज में लगा देती हूँ, उसके बाद आप देखना कि वो कितने खूबसूरत लगते हैं, हेल्दी हो। ये कॉर्डिल, ये भी मेरा रेस्क्यूड वाला है। अच्छा, कॉर्डिलन, ये भी। मैम इतने सारे प्लांट्स आपको मिल जाते हैं? पता नहीं, वो कहते हैं कि जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, जैसे मेरे को ऐसे लगता है कि वो मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ प्लांट फेंके होते हैं जी। और ये देखिए, मतलब ये सारे प्लांट है भी बहुत क्यूट क्यूट, ये देखेंगे फ्रेंड कितना अच्छा वेरिएशन है, कितना सुंदर लग रहा है प्लांट, कलर्स देखेंगे तो बहुत ही सुंदर है। तो आखिर कौन इस प्लांट को फेंकना चाहेगा? लोग काट काट के फेंक देते हैं, जगह नहीं होती है, शौक से रख लेते हैं। बहुत सुंदर ये वाले आप दो, ये मर्तबा नचार के, अच्छा। ये भी घर के कूड़े के ढेर से ही उठाए हैं मैंने, अच्छा। तो मैं ऐसे काम बहुत करती हूँ, मुझे हर चीज में गमला दिखता है और हर चीज में मेरे को प्लांट्स लगा के अच्छा लगता है। ये भी आप देखें, ये भी एक पार्लर वाले कूड़े में ही फेंक रहे थे, तो मैंने उनसे लिए ये ऐसे, ये कोई प्रोडक्ट, ये देखो लिखो कोई, मैं ब्रांड एम्बेसडर उसके, अच्छा, नहीं अच्छा, कर रही हूँ, नाम जी। लिखा हुआ वो मिटाया नहीं अभी, मैं नहीं तो मिटा देती हूँ। ओके, तो ये मैं उनसे ले आती हूँ, मैंने बॉटल्स इतनी इकट्ठी करके, आप ऊपर देखना उसमें गार्डन बनाया हुआ है। ये और एक ये भी है, वर्टिकल गार्डन। हाँ, जो है बहुत सुंदर है मैम। थैंक यू। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से जरूर करें। सबसे नीचे देखिए मैम ने फर्न लगा दी है। हाँ। बीच में भी सिंगोनियम और ऊपर भी आपको मिनी सिंगोनियम नजर आ रहे हैं, और कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना सुंदर है। जब आपने मुझे इसकी पिक्चर सेंड करी थी ना, मैं आपसे पिक्चर्स मांग रहा था, तभी मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत अच्छा लग रहा था, और जब आज मैंने इनके घर में एंटर किया तो भी मुझे इसने बहुत अट्रैक्ट किया, काफी सुंदर है। तो इस तरह की वर्टिकल गार्डनिंग आप भी कर सकते हैं, और इसमें ज़्यादा मैम ने रॉ भी यूज़ नहीं करी है, सिर्फ 3 रॉज में ही इतना सुंदर इन्होंने सेटअप तैयार कर लिया है। और इसी तरह नीचे भी देखिए,
नीचे ये ब्यूटीफुल कुछ इंडोर प्लांट्स हैं, कहने को इंडोर होते हैं पर लाइट सब प्लांट्स को चाहिए होती है। जी आप इंडोर प्लांट्स के नाम से बेचते हैं, अब लोग अपने घर में रख लेते हैं, बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ रही। प्लांट को हवा भी चाहिए, धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए, है ना। या तो फिर ग्रो लाइट, आर्टिफिशियल ग्रो लाइट्स लाई हैं। ये हमारी जो लाइट्स होती हैं ना, ये वाली लाइट प्लांट नहीं उसको करता। एक जी ग्रो लाइट्स अलग आती हैं, वो जब हम देखते हैं ना, वो पर्पल और पिंक कलर की हमको दिखाई देती है वो, तो वो लेकिन प्लांट्स के लिए वो लाइट का काम करती है जो सनलाइट काम कर रही होती है। ओके प्लांट्स की नज़र में मतलब जो वो लाइट है वो सनलाइट का जो इफेक्ट आता है। अब हम अपनी येलो लाइट जला के सोच लेते हैं कि ये ग्रो लाइट है, प्लांट इसमें सर्वाइव कर जाएगा, कुछ फर्क पड़ता है। पर अगर आपको बिल्कुल अंदर रखने हैं इन प्लांट्स को, तो इनको लाइट चाहिए और तेज धूप नहीं चाहिए। तो ये मेरा एरिया नॉर्थ ईस्ट है, सुबह सुबह की 1 घंटे की धूप आती है यहाँ पे, तो उनके लिए काफ़ी है। बस विंटर में मुझे इनके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पाले से बचाना पड़े। ये भी देखिए, ये आइसक्रीम के प्लास्टिक के कप, पता नहीं कब कबाड़ में, कोई यूज़ भी नहीं करता, तो मैंने इनमें सेक्युलेंट लगाए और ये सेक्युलेंट दो दो ढाई ढाई साल पुराने हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें मिट्टी भी नहीं ठीक करी, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें ध्यान से हट जाती हैं कि एकदम परफेक्ट हर चीज़ को नहीं बना सकते। पर वो अपने आप ही, उनको किसी चीज़ की सेक्युलेंट की सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमसे बहुत कुछ मांगते ही नहीं, अपने आप ही सर्वाइव कर जाते हैं। जी ये पॉइनसेटिया की वैरायटी है, आजकल ये फैंसी आते हैं। ये लाल वाला तो मैं प्रोपोगेट कर लेती हूँ, ये हार्डी है थोड़ा, लेकिन जो ये फैंसी कलर्स आते हैं इनको थोड़ा सा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट चाहिए, तो कभी कभी बच जाते हैं। इधर ये कैलांचू हैं, ये भी मेरे पिछले साल के हैं, ये एज इट इज, इससे कई गमले बन जाते हैं, फिर लोग ले जाते हैं तो कम बच जाते हैं। जी ये भी पॉइनसेटिया की एक वैरायटी है इधर। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज की वीडियो में आपने मैम के सारे इंडोर प्लांट देख लिए हैं, लेकिन अभी भी इनके पास काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। इसके लिए हमें जाना होगा ऊपर टेरेस गार्डन में, तो वहाँ पे जाके मैं इनका पूरा आपको सेकुलेंट प्लांट का सेटअप दिखाने वाला हूँ, और वहाँ पे कुछ विंटर प्लांट का भी सेटअप है, उसे भी हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह आप गार्डनिंग कर पाएंगे। और काफ़ी सारी जो वेस्ट बॉटल्स वगैरह होती है उसमें भी हमने गार्डनिंग कर रखी है, तो किस तरह आप ये सब चीज़ें करने वाले हैं इसके लिए आपको आना होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द मैं अपलोड करने वाला हूँ अपने इस चैनल पे। आपको बताना चाहूँगा मेरे चैनल पे चलिए देहरादून सीरीज़ बैक टू बैक एपिसोड आ रहे हैं, हर दिन सुबह 10 बजे वीडियो अपलोड हो रही है, तो आप वीडियोस में यूं ही बने रहें। इंस्टा और फेसबुक को भी जाकर जरूर फॉलो करें, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ देहरादून सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।